मनोहर लाल जी खट्टर सुपर चीफ मिनिस्टर है, सुपर चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर उनके पांव छू रहा है। अरे छोड़ो, क्यों ये ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हो जी? तुम 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हो, कैसी कैसी भाषा बोल रहे हो जी? जहां जहां ये जा रहे हैं ना, वहां वहां ये वोटों को की कटौती कर रहे हैं। अच्छा, मैं अगर बीजेपी में कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो है, अगर बीजेपी में कोई खुफिया तंत्र है जी, अगर उनको रिपोर्टिंग दिल्ली में अमित शाह जी को और मोदी जी को जा रही है, तो इनको अगर घर बिठा देना, घर हैं जी, और बीजेपी को लोग वोट दे देंगे, मोदी को वोट दे देंगे। अच्छा जी, ये जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां सफाया करते जा रहे चलते इतना गुस्सा। मैं कह रहा हूं आपको जी, ये 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 अपनी खाम खाकी जी ये वो दिखा रहे हैं। वो सुपर चीफ मिनिस्टर है खट्टर साहब। अब आप मुझे ये बात बताओ, अब पिछले 5 दिनों से कहीं नैब सैनी, और अब जो दलित है वो भी ये सोचने पे मजबूर हो रहा है जी कि कहीं भाई ये फेर बन गया जी, तो कहीं ये हमारा आरक्षण तो खत्म नहीं हो जाएगा। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ जी, आज चमार कम्युनिटी के लोग खास तौर पे लाम बंद हुए हुए हैं जी के बीजेपी को वोट मत दो अंदर अंदर जी। दो, नंबर 3, जो राजपूत है वो भी आप यूपी में देखो कि अगर बाबा को भी बचाना है तो मोदी को इस चुनाव में हराना है। अगर बाबा को भी बचाना है, मोदी को हराना है, सुनो तीसरी, मैं भूपेंद्र और दीपेंद्र को एक अलग अलग चीज मानता हूँ जी। दीपेंद्र एक सिंपल लड़का है, मेरा अजीज है, बेटा है मेरा। भूपेंद्र 24 घंटे ताने बुनता रहता है। भूपेंद्र हुड्डा के बारे में ये कहते हैं कि वो बीजेपी से मिला हुआ है, ये इस आरोप में कितना दम देखते हुआ? क्या भविष्य लगता है दुष्यंत चौटाला का? दुष्यंत चौटाला को कोई भविष्य नहीं है। अच्छा जी, हाँ, वो तो जैसे मोहम्मद गजनवी नहीं आया था, अपना गए अपना ऊँटों में भर के सारा माल मूल और सारी चीज ले गए, ये तो माल लेने आए थे, माल लेके चले गए, खत्म बात, इनके दरवाजे बंद, आगे विधानसभा चुनाव में भी अजय छोड़ो कुछ भी नहीं है ये। अच्छा जी, कुछ भी नहीं, देश स्टैंड। हिसार में बड़ा रोचक मुकाबला, चौधरी देवीलाल के परिवार से 3 कैंडिडेट आगे, कैंडिडेट सुनैना, नैना, रणजीत चौटाला, और चौथा कैंडिडेट छोटराम का नाती। तो देवीलाल वर्सेस छोटराम के 2 बड़े शख्सियत, उनके जो अगली पीढ़ी है वो चुनाव में है, कैसा रोमांच हिसार का? जाट और जाट सिख, ये किसान है 90% जी, जमीन बोता है, जमीन काटता है। जो प्रताड़ना पीछे भारतीय जनता पार्टी के रूल में जो किसानों के साथ हुई, 1 साल तक बॉर्डर पे बैठे रहे जी, कीले लगा दिया, ऐसे तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था, हिटलर शाही कम भी ऐसा नहीं हुआ था। 1,000 से ज्यादा किसान सड़कों पे बैठ के मर गया, कितनों ने सुसाइड की, आज उन्होंने जीवन और मरण का। कुरुक्षेत्र का चुनाव बड़ा रोचक हो गया है। कुरुक्षेत्र का चुनाव मैं बता देता हूँ, अगर चौधरी अभय सिंह चौटाला बीच में ना होते तो सुशील गुप्ता बन गए थे जी। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल, मेरे साथ हैं हरियाणा कांग्रेस के बहुत सीनियर नेता और गृह मंत्री रहे सुभाष बत्रा जी। हरियाणा की राजनीति में एक समय में बत्रा जी का बड़ा नाम था, तो हरियाणा की राजनीति अब लोकसभा चुनाव में क्या रहने वाली है, इनका अनुभव क्या कहता है, वो बात करेंगे। नमस्कार बत्रा जी। नमस्कार, नमस्कार करमपाल जी। सर ये बताओ, अभी जब लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा का मतलब माहौल देखते थे हमें, ऐसा लगता था कि कांग्रेस की टिकट लेने से दूर रहे, लेकिन अब देख रहे हैं कि 6-6 जनों 7-7 लाइन में खड़े हैं, इतना माहौल क्यों बदला हुआ है? इसके पीछे कई कारण है जी। एक तो श्री मनोहर लाल जी खट्टर को बदलना भी एक सबसे बड़ा कारण है जी। नंबर 2, ये बीजेपी जमीनी लेवल पे तो काम करती है बहुत कम, लेकिन धर्म और जाति के नाम के ऊपर वोटों को डिवाइड करके उसको अपने पक्ष में लाना, उनकी ये कार्यशैली रही है जी।
अब इनके पास दो ही मुद्दे हैं, एक तो धर्म के नाम के ऊपर राम 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 जी, और दूसरा जाति के नाम के ऊपर, इनके दो इशू हैं जी। आज पूरे हरियाणा के अंदर जाटों के बाद पंजाबी दूसरी जाति है जी, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मैटर करती है। बिल्कुल, विधानसभा में 25 से 30 अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पंजाबी मैटर करते हैं, और लोकसभा में हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में पंजाबी मैटर करता है। बिल्कुल, इनकी किसने बीजेपी को फीडबैक दिया कि मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है जी, हालांकि मनोहर लाल जी खट्टर ना पहले मुख्यमंत्री के काबल थे जी, ना हटने के बाद जी आपने कोई समाज का आदमी देखा कि उनके हक में कोई चार भी लाइन उन्होंने कही होगी, खट्टर साहब ने बहुत काम किए थे, ये है वो है ना जी, उनकी पॉलिटिकल स्किल नहीं है, वो एक प्रचारक थे जी, लेकिन जिस तरीके से उनको हटाया गया है उससे को उससे एक समाज में एक गलत मैसेज गया है। पंजाबी समाज में नाराजगी है इसको लेकर? है नाराजगी जी, एक गलत मैसेज गया है कि एक तरफ तो उनकी प्रशंसा के नरेंद्र मोदी जी गीत गा रहे हैं कि मेरी मोटरसाइकिल के पीछे बैठा करते थे, हम इकट्ठे सोया करते थे, इकट्ठे खाना खाया करते थे, गुल को पाड़े किया करते थे जी, और जब भाषण खत्म हुआ तो एक चार लाइन की चिट्ठी उनको पकड़ा दी जी कि राज्यसभा में जाके इस्तीफा दे दीजिए। बिल्कुल, विधानसभा में जाके जी, नहीं सॉरी, हाँ राजभवन में, राजभवन में जी। देखिए एक बात को समझ लीजिए, चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर होता है जी, चीफ मिनिस्टर के बाद क्या कोई खट्टर साहब को कोई प्रधानमंत्री बनाना है? बिल्कुल, क्या उनको सुपर चीफ मिनिस्टर, दो बार नायब सिंह सैनी ने एक के भाई नायब सिंह सैनी कभी सपने में सोच सकते थे कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा? बिल्कुल, वो चीफ मिनिस्टर बने, उनको कहा कि तुमने बार बार उनके खट्टर साहब के पांव छूने हैं ताकि पंजाबियों को भी ये महसूस ना हो जी कि तुम्हें अपमानित किया गया है, और ओबीसी कार्ड भी खेला जाए, दोनों कार्ड खेल दिए, दोनों कार्ड खेले, वो कहते हैं ना माया मिली ना राम जी, तो ये तो वो बात। तो क्या पंजाबी समाज की जो नाराजगी है अभी लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगी? बहुत ज्यादा। अच्छे, हाँ जी, आप देख लेना, अब जो पहले मुट्ठी बंद थी जी बीजेपी की, और वो जो कार्डर बेस्ड वोटर था वो जमा हुआ था जी, अब खिंड गया जी वो जी। अब नायब सिंह सैनी का वो कद नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बनाया जाता, लेकिन बना दिया इसलिए कि सैनी समाज ओबीसी कार्ड खेलने के लिए जी। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, आप तो बहुत सीनियर एंकर रहे हैं जी, आज भी हैं, क्या खाती लोहार, क्या तेली कुम्हार वो सैनियों के कहने से वोट देता है? बिल्कुल नहीं। क्या गुज्जर अहीर या मुसलमान एक दूसरे के कहने पे वोट देता है? कभी भी नहीं देता जी। और उधर से अनिल विज की भी नाराजगी। अच्छा, एक मैं वही मैं कह रहा हूँ जी, दूसरा बड़े अनसेरिमोनियल तरीके से अनिल विज साहब को हटाया गया जी, हिज पोजीशन वाज नेक्स्ट टू द चीफ मिनिस्टर, उनको हटाया ही नहीं गया, उनका इस तरह से अनादर किया गया, तो मुझे तो कहने की जरूरत नहीं, वो खुद बोल रहे हैं जी कि मुझे मेरी औकात का पता लग गया, मैं अपने आप को कुछ समझता था कि बीजेपी के अंदर तुम कुछ हो। लेकिन तुम कुछ भी तो नहीं हो ना, उनको कोई मनाने आया, मनाने छोड़ो, मुख्यमंत्री की वो सेरेमनी में भी नहीं बुलाया। बिल्कुल, देखो ऐसे थोड़ी लोग कहते हैं, बरिंदर सिंह क्यों बीजेपी को छोड़ के आया जी, उसके पीछे कारण क्या है? बीजेपी की एक थ्योरी है, यूज एंड थ्रो। आज कुलदीप बिश्नोई कहाँ है? आज भव्य बिश्नोई कहाँ है जी? हाँ, इसी चैप्टर में आएंगे। आज धर्मवीर चाहे उसको टिकट दे दी पर है क्या? इज ए नॉन आइडेंटिटी, नाम ही नहीं सुना जाता 5 साल में, कुछ है कहीं जीरो। आज यहाँ बोलबाला मुनीश ग्रोवर का था,
आज अरविंद शर्मा क्या था जी, सरेआम आरोप लगा रहे थे, एलिगेशन 250-250 करोड़ के लगा रहे थे जी। आज चाहे एक मंच पे आ जाए लेकिन लोग जो है लोग तो वो अपने मतों का प्रयोग वो एक अरविंद शर्मा की वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, है? यहाँ मतलब मैं जो बात कह रहा हूँ तथ्य छिपाने में माहिर हैं। हाँ, मैं जो कह रहा हूँ अरविंद शर्मा मेरे भी मित्र हैं जी। मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ जी कि सच्चाई तो 5 साल के बाद लोगों की अदालत में आनी है, तो आती है जी। आज बीजेपी ने विकास की कहीं बात कर रहे हैं कि हमने डैम बनाए, हम कोई नया विनेश लेके आए, इंडस्ट्री लेके आए, हमने ये कराया कोई जमीनी लेवल पे। जमीनी लेवल पे क्या दिया उन्होंने जी? व्यापारियों को GST, इम्प्लाई आज सड़कों पे है जी। रोजाना रेप और मर्डर्स और चेन स्नेचिंग के केसेस हो रहे हैं जी। आज भ्रष्टाचार कारपोरेशन में जी, जिस आदमी ने 9.5 साल के अंदर एंटर किया बगैर पैसे, अपना आइडेंटिटी प्रूफ ही नहीं लेके आया है जी। आज तहसील में जिसने एंटर किया है बगैर पैसे के, उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। इतना भ्रष्टाचार शायद दुनिया में कहीं हुआ हो जो इस। अच्छा, ये इतने मुद्दे आपने गिना दिए, क्या आपको लगता है इन मुद्दों पर लोग वोटिंग करेंगे या चुनाव के समय फिर वो जाति धर्म देखते हैं? आप एक बात समझिए जी, जो 25 से 35-40 साल का यंग यूथ था जी, जो अनएम्प्लॉयड था, वो नरेंद्र मोदी 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 कर रहा था कि नहीं कर रहा था? पूरे देश के अंदर मोदी को 10 साल राज करवाया कि नहीं? इन्होंने करवाया बिल्कुल। सुनो, आज वही यूथ ड्रग का सेवन कर रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा है ये जी। आप जरा जाके 25-30 साल 35 साल के लड़के से बात तो करो, 90% ये जो लोग हैं, ये जो बच्चे हैं जी, ये या तो विदेशों में जा रहे हैं, कोई कनाडा जा रहा है, मेरा पोता चला गया जी, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। कारण कि यहाँ कोई होप ही नहीं है, होप नहीं है। आज किसान बेहद दुखी है जी। आप मुझे एक बात बताओ, ये रोजाना बयान दे रहे हैं, इनके वोट कम हो रहे हैं बीजेपी के, बयान क्या दे रहे हैं? बयान ये दे रहे हैं, अभी तो कांग्रेस ने लिस्ट जारी नहीं की, अरे कुछ समझो इस बात को कि बगैर लिस्ट जारी हुए तुम्हारा पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है जी। जिस दिन लिस्ट आ गई फिर तुम्हारा क्या जवाब दोगे फिर जी? अच्छा, हरियाणा आज, आज मैं आपको बताऊं जी, आज सरसा में क्या आलम है, आज धर्मवीर का क्या आलम है, आज हिसार में रंजीत चौटाला का क्या आलम है, आज अरविंद शर्मा का घेरा हुआ है, आज मनोहर लाल जी खट्टर जहाँ जा रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर जी तो उनको तो उनकी तो पहले भी लॉटरी खुली थी जी। ये पहला वाहिद लीडर है जिसने अपने समाज को, वरना हर आदमी जो बनता है वो कहता है कि मुझे अपने समाज पे फख्र है जी, ये पहला आदमी है जो मिलता ही नहीं था, मिलता ही नहीं था। आपने ये सारी चीजें गिनाई हैं, ये हर जगह जो बीजेपी वालों का विरोध हो रहा है, ये जो विरोध हो रहा है, और अभी खट्टर ने एक दिन पहले जींद में कहा है कुछ सिरफिरे लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं और इसका भी हमें फायदा मिलेगा। ऐसा है कि कुछ लोग इम्बैलेंस हो गए, जिनमें खट्टर साहब एक है। आपने देखा नहीं कभी इनकी शैली को देखा है? चौधरी भजन लाल के इलाके में जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कहाँ तो जब भव्य बिश्नोई को चुनाव लड़वाया और उसकी दादी को भजन लाल जी की धर्मपत्नी के पांव छू रहे हैं, कहाँ उनकी प्रशंसा के गीत गा रहे हैं जी, और कहाँ कह रहे हैं, मिसाल क्या दे रहे हैं, वो आपने भी सुनी होगी बिल्कुल। पटवारी का किसी से पटवारी समुदाय में बड़ी नाराजगी उसको लेकर। तो सुनो, आज रंजीत की रैली में जहाँ खट्टर साहब गए, ना कुलदीप गया ना भव्य बिश्नोई गया, यही तो कारण है। यस, सुनो, और वहाँ चौटाला के इलाके में जा रहे हैं रंजीत चौटाला की पैरवी करने के लिए, और वहाँ ओम प्रकाश चौटाला को सजा हुई है, भ्रष्ट था, क्या कह रहे हैं वो भी सुन लिया आपने जी। इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है जी। आप देखना लोकसभा के चुनाव के बाद ऐसे उड़ेंगे जैसे पतझड़ में पत्ते उड़ते हैं ना, ऐसे उड़ेंगे। आप देखना लोकसभा के चुनाव के बाद
ऐसे उड़ेंगे जैसे पतझड़ में पत्ते उड़ते हैं ना, ऐसे उड़ेंगे। अच्छा, उनकी ये हालत है। कुलदीप बिश्नोई की जो नाराजगी है और जिस तरह से रणजीत चौटाला की रैली में भव्य का शेड्यूल था, आना था उनको, वो नहीं पहुंचे, तो पूरा सिरसा पार्लियामेंट्री और हिसार पार्लियामेंट्री दोनों में बिश्नोई समुदाय के वोट हैं, क्या लगता है कि वो ये मैसेज है बिश्नोई समुदाय को कि देखिए एक बात समझो, कुलदीप मेरी जिंदगी में एक ही गलती हुई जी, जब कुलदीप बिश्नोई ने जनहित कांग्रेस बनाई और मैं पहली बार गलती कर गया, चौधरी भजन लाल जी को मैं मानता था तो मैं उस हदका में चला गया जी। कुलदीप बिश्नोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है जी। अगर कुलदीप बिश्नोई में पॉलिटिकल सेंस होते तो जब बीजेपी और कुलदीप बिश्नोई का पहले अलायंस हुआ था हरियाणा जनहित कांग्रेस और इसका जी, तो ये चीफ मिनिस्टर बन गया होता। यस, उस वक्त भी एक ही बात पे अड़ा हुआ था कि मुझे 5 टिकटें नहीं चाहिए, मुझे 2 भी नहीं चाहिए, मुझे मुख्यमंत्री अनाउंस करो। अरे भले आदमी, उस वक्त तुझे 20-25 टिकटें देते थे, बैलेंस तेरे हाथ में होता तो चीफ मिनिस्टर बनता। ही इज नॉट ए पॉलिटिकल मैन, ही इज ए बिजनेस मैन, इट्स वेरी सिंपल आई टेल यू। तो इसलिए वो तो जिक्र ही ना करो, वो तो लीडरों के हिसाब से वोटर जाता है। चौधरी भजनलाल बड़ा एक जानदार लीडर था, बिल्कुल उनका क्या मुकाबला। अच्छा, लेकिन एक चीज तो देखिए, ये भजनलाल जी के बारे में इस तरह किस्सा सुना दिया, बिश्नोइयों में नाराजगी है, लेकिन कुलदीप की और भव्य की कोई टिप्पणी नहीं आई अब तक। आई मुझे एक बात बताओ, ये कैसा पुत्र मेरे पिता के खिलाफ कोई बोल के दिखा देना, जरा पीछे मेरे पिताजी का वो पुण्यतिथि थी, ओम प्रकाश चौटाला भी आए हुए थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आए हुए थे, सुशील गुप्ता आप पार्टी के भी आए हुए थे, चौधरी बरिंदर सिंह भी आए हुए थे, सारे लीडर थे छोटे से लेकर बड़े तक। और उसी में बिरेंद्र और भूपेंद्र जब गले मिले तब पहली बार ये चर्चाएं चली थी भविष्य में एक होंगे, एक होंगे जी। ये बताइए, बिल्कुल अब हम तो अपने पिता की याद में जो कुछ अपने में सामर्थ्य होता है हवन करते हैं, उनकी याद में कुछ लोगों को बुलाते हैं ताकि उनकी याद हमारे दिलों में, लोगों के दिलों में कायम रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे पिताजी 12 साल तक म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन रहे, हमारे परिवार को कृषि पंडित की पदवी मिली, पद्मश्री का अवार्ड मिला जी। तो वो औलाद क्या जो अपने पिता के इतना अपमान सहने के बाद भी वो बैठे हुए हैं बीजेपी के अंदर, क्या क्या जी, वो विरोध में गए नहीं, ना जाओ, उनको जरूरत ही नहीं जी। तो इसलिए ये अपने अपने सोचने का तरीका है। बिल्कुल, और आपने जैसे जिक्र किया भूपेंद्र हुड्डा आपके पिताजी की उसमें कार्यक्रम में आए थे, पिछले चुनाव जब हुआ था उसमें भी भूपेंद्र हुड्डा घर आए थे कि दीपेंद्र का प्रचार करने आप शुरू नहीं गए, नाराजगी थी, आपने भी मुझे इनविटेशन दी नहीं दिया, इस बार दीपेंद्र के प्रचार में लगोगे? देखिए दीपेंद्र मेरा बेटा है, उसके प्रचार में तो लगूंगा जी। मैं भूपेंद्र और दीपेंद्र को एक अलग अलग चीज मानता हूँ जी। दीपेंद्र एक सिंपल लड़का है, मेरा अजीज है जी, बेटा है मेरा। भूपेंद्र 24 घंटे ताने बुनता रहता है जी, वो आगे की सोच के चलता है जी, कि मेरा उससे क्या मतभेद। 1991 में वो भी चुनाव लड़े लोकसभा का, मैं भी विधानसभा का लड़ा, मैं एमएलए बन गया, मैं मंत्री बन गया, वो मेंबर पार्लियामेंट बन गए जी। उनका दायरा अलग, उनकी कंस्टिट्यूंसी क्लोई, मेरी रोहतक, मैं उनको कहाँ सेता हूँ। बिल्कुल, लेकिन एक मन में कहीं, क्योंकि हम बचपन के दोस्त रहे हैं, हम इकट्ठे रहे हैं, कई सुभाष पत्रा सबके सामने मेरे सामने मुखर ना हो, और वो ऐसे ही जैसे और पंखा करते हैं वैसे ही सुभाष पत्रा तक का तो अपना अस्तित्व है, सुभाष पत्रा तो किसी का बढ़ाया हुआ नहीं है, सुभाष पत्रा तो मान सम्मान की लड़ाई लड़ता है जी। लेकिन मैं कभी भी इस मामले में, मेरे पिताजी चौधरी रणबीर सिंह के सपोर्टर रहे, और कहा करते थे चौधरी रणबीर सिंह जी, वो तो एक भोले और सादे और ईमानदार इंसान थे, वो कहते थे ओ भूपेंद्र इस बत्रा परिवार का अनादर इस परिवार में नहीं होना चाहिए,
लेकिन हर आदमी के सोचने का तरीका है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। दीपेंद्र हमारा बेटा है, दीपेंद्र के लिए काम करूंगा। मैं तो सरेआम कहता हूँ और आज भी कह रहा हूँ, कांग्रेस में हूँ मैं किसका करूंगा, मैं उसी का करूंगा। बिल्कुल, क्या लगता है कितनी सीटें पर बीजेपी के जो कैंडिडेट अभी मैदान में आ चुके हैं और कांग्रेस के भी लगभग लगभग हैं, कभी भी सीट घोषणा हो सकती है, क्या मूड क्या लगता है हरियाणा का? सुनिए, मैं आज आपको बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ जी, ईमानदारी से जी। जाट और जाट सिख ये किसान है 90% जी, जमीन बोता है, जमीन काटता है। जो प्रताड़ना पीछे भारतीय जनता पार्टी के रूल में जो किसानों के साथ हुई, एक साल तक बॉर्डर पे बैठे रहे जी, कीले लगा दिए, ऐसे तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था, हिटलर शाही के अंदर भी ऐसा नहीं हुआ था। 1,000 से ज्यादा किसान सड़कों पे बैठ के मर गया, कितनों ने सुसाइड की, आज उन्होंने जीवन और मरण का प्रश्न बना रखा है। अच्छा नहीं, एक और मैं रोकूंगा सर, सुनिए, और लिंक टूट जाएगा। जहां जहां ये जा रहे हैं वहां वहां इनका विरोध हो रहा है जी। एक दूसरा, नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं तो ये कहते हैं एक देश एक वोट, एक देश एक वोट जी। अब जो दलित है वो भी ये सोचने पे मजबूर हो रहा है जी, कि कहीं भाई ये फेर बन गया जी, तो कहीं ये हमारा आरक्षण तो खत्म नहीं हो जाएगा। ये तो बड़ी, सुनो मैं आपको हकीकत बता रहा हूं जी। आज चमार कम्युनिटी के लोग खास तौर पे लाम बंद हुए हुए हैं जी, के बीजेपी को वोट मत दो अंदर अंदर जी। दो, नंबर तीन, जो राजपूत है वो भी आप यूपी में देखो, हाँ वो एक वायरल हो रही है, आर्मी जनरल ने कहा है कि योगी को बचाना है तो मोदी को हराना है। सुनो, तीसरी, मनोहर लाल जी खट्टर सुपर चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर उनके पांव छू रहा है, अरे छोड़ो, क्यों ये ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हो जी। तुम 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हो, कैसी कैसी भाषा बोल रहे हो जी। जहां जहां ये जा रहे हैं ना, वहां वहां ये वोटों को की कटौती कर रहे हैं। अच्छा, मैं अगर बीजेपी में कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो है, अगर बीजेपी में कोई खुफिया तंत्र है जी, अगर उनको रिपोर्टिंग दिल्ली में अमित शाह जी को और मोदी जी को जा रही है, तो इनको अगर घर बिठा देना, घर हैं जी, और चोई बीजेपी को लोग वोट दे देंगे, मोदी को वोट दे देंगे। अच्छा जी, ये जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां सफाया करते जा रहे हैं, खटके चलते इतना गुस्सा। मैं कह रहा हूं आपको जी, ये अपनी खाम खाकी जी, ये वो दिखा रहे हैं, वो सुपर चीफ मिनिस्टर है खट्टर साहब। अब आप मुझे ये बात बताओ, अब पिछले 5 दिनों से कहीं नायब सैनी और खट्टर को देखा आपने? देखोगे भी नहीं है। ये तो शुरू के वो थी, उसके पंजाबी वोट भी मिल जाए, ओबीसी को वोट भी मिल जाए, वरना असेंबली का बाई इलेक्शन तो विदिन 6 मंथ चुनाव लड़ना पड़ता है, इतनी सी बात है। और विधानसभा के चुनाव को तो 3 महीने 4 महीने रहते हैं, अभी चुनाव करवाने की जरूरत क्या थी? इसलिए के सैनी का ओबीसी कार्ड मनोहर लाल खट्टर के काम आवे, और पंजाबी वोट क्योंकि करनाल विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी डोमिनेटेड बाई पंजाबी कम्युनिटी, उसका लाभ नैब सिंह सैनी को मिले। मैंने तो कहा था, अरे पार्टी, हमारी पार्टी भी तो सीधी बातें नहीं लेती, वो भी तो 2-4 लोगों की बातें सुन के अपने फैसले करती है, इसलिए तो मरी है ये कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी कोई बैकफुट पे आने वाली पार्टी थी जी? ये तो 4 आदमी हैं, 3 आदमी हैं, उन्हीं की बात सुन लेते हैं, बस खत्म, वही टिकटो का फैसला होता है जी। आज है क्या, क्या सुझाव था आपका? है, मेरा सुझाव था मुझे चुनाव लड़ाओ, मैं बताऊंगा इसका, इनका सबकी पोल मैं खोलूंगा जी। इनको क्या कौन चाहिए? इनको राज बब्बर चाहिए जी, नाइट क्लब का मेंबर है वो, है क्या है राज बब्बर जी,
क्या मुकाबला करेगा राव इंद्रजीत के खिलाफ? राव इंद्रजीत इज ए टॉप लीडर जी, बिल्कुल है, वो कांग्रेस में रहा है जी, उसके उसको उनकी फॉलोइंग है बिल्कुल, उस इलाके में तो उनका दबदबा है। आपने घर बैठ के ये एक पांच आदमी बैठ के एक एक टिकटों का फैसला कर दिया, कहाँ से फीडबैक लेते हैं ये? बिल्कुल, किससे फीडबैक लेते हैं ये जी? इसीलिए सुनो, चार चार वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए, चार वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए जी, और चारों में एक भी वर्किंग प्रेसिडेंट पंजाबी समाज से नहीं बनाया जी। इनकी इनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो गई? जो 25 से 30 अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी में पंजाबी मैटर करता है जी, वहाँ उस कम्युनिटी का एक आदमी वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं बनाया, और बढ़ाया किन को? जो 1.5% है, जो 0.5% है, जो 1% है, और जिन्होंने कभी जिनका पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड ही नहीं है उनको वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया, उनका क्या करोगे? अब कहाँ उनका नाम सुना है कभी? कभी है कहीं फील्ड में? कहीं कोई रैली कर रहे हैं? कहीं कोई लोगों से संवाद है उनका? खत्म, बनाए और खत्म जी। लेकिन वो चीजें भी, अब राहुल गांधी ने बेचारे ने 4,500 किलोमीटर की यात्रा करी, वो भी मैनेज हो जाती है ग्राउंड लेवल पे जी, जहाँ से गुजरे वहाँ घेरा डाल देते हैं, वही मिलाते हैं जो उनके चहेते होते हैं, आम पब्लिक को तो मिल रही नहीं। जेजीपी की बात आई थी एबीवी से, इसलिए मैंने क्या भविष्य लगता है दुष्यंत चौटाला का? दुष्यंत चौटाला को कोई भविष्य नहीं है। अच्छा जी, हाँ, वो तो जैसे मोहम्मद गजनवी नहीं आया था, अपना गए अपना ऊँटों में भर के सारा माल मूल और सारी चीज ले गए, ये तो माल लेने आए थे, माल लेके चले गए, खत्म बात, इनके दरवाजे बंद, आगे विधानसभा में भी अजय छोड़ो, कुछ भी नहीं है ये। अच्छा, कुछ भी नहीं, दे स्टैंड नो वेयर जी। अच्छा, इस चुनाव में आपने जैसे कुछ मुद्दे हरियाणा के बताए थे, दो बड़े राष्ट्रीय मुद्दे हैं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का, एक केजरीवाल की गिरफ्तारी का, ये क्या लगता है ये कितना डालेंगे? देखो, एक बात को समझ लो जी, आप वर्ल्ड वाइज पॉलिटिक्स को देखो, जो भी नरेंद्र मोदी टाइप प्रवृत्ति का लीडर है वो 30-30 सालों पे सत्ता में है, 25-25 सालों से। पुतिन को देखो रशिया में जी, इसको तो नॉर्थ कोरिया में देखो जी, कितने पुराना इतिहास उठाकर देख लो आप, कर्नल गद्दाफी 30 साल तक राज करे, बिल्कुल, सद्दाम हुसैन, क्यूबा वाले देख ले हम, क्यूबा वाला देख लो, सुनो मेरी बात, 30-30 साल, 35-35, ये एक ही सेट की विचारधारा है जी। अब एक प्रधानमंत्री लोकसभा में ताली बजा बजा के कहे कि भला हो ईडी का, जिसने सारी अपोजिशन को इकट्ठा कर दिया, इसका मतलब क्या कि डंडे से मैंने सारे इकट्ठे कर दिए, यही मतलब है ना? अब सारे डरे हुए हैं जी, कोई तो डरा हुआ और डर से मायावती जैसी बीजेपी के टोन पे नाचने लग रही है। राहुल गांधी तो डरे हुए, तो मैं जो बात कर रहा हूँ, मैंने राहुल की तो कहा नहीं, मैंने राहुल की बात नहीं करी जी। कोई महागठबंधन के अंदर शामिल होने से हिचकिचाता है, उसके पीछे भी बीजेपी है, सुन लीजिए, आज पूरा देश भय के साए में है, आज किसी को सीबीआई का डर है जी, आज किसी को लालू जैसे आदमी को, आज उसकी लालू की शक्ल देखी बेचारे की क्या हालत है जी, पी चिदंबरम जैसे को अंदर ठोक दिया, आज कोई बोले तो सही, हमारे जैसे लोग बचे हुए हैं जिन्होंने किसी की एक दमड़ी नहीं खाई, हमारा क्या बिगाड़ेंगे? सुनिए, आप हमेशा से ऐसे बोलते रहे। मैं ऐसे ही बोलता रहा हूँ, मेरा क्या बिगाड़ेंगे? मैं तो रोज कहता हूँ भगवान हमारे पास भी कोई आ जावे, आ सकती है ना, हमारे पास क्या आएगी, क्या लेके जाएगी जी? कुछ भी नहीं, हम तो जैसे बैठा हूँ वैसे ही हूँ। तो इनकम टैक्स, सीबीआई और बहुत सारी चीजें हैं, ईडी से अलग भी जो कुछ, वो तो उसके लिए तो मैं तैयार बैठा हूँ जी। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी का भी आभारी हूँ जी कि उसने कम से कम एक पंजाबी समाज के आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाया जी, ये सोच के बचाया, उसकी पॉलिटिकल इंटेलिजेंस थी कि जब भजन लाल एक बिश्नोई होके पंजाबी का मखोटा डाल के 11 साल राज कर सकता है तो एक बनियाणी का पंजाबी उठाओ ना। बिल्कुल,
चीफ मिनिस्टर, आज 5 लोकसभा की सीटें इन्होंने दी हैं, फिर पंजाबी इशू को कैश करना चाहते हैं। आप देखो, चंडीगढ़ से टंडन को टिकट दी जी, आपकी दिल्ली से 2 टिकट, एक मल्होत्रा को नई दिल्ली से दी, दूसरी सुषमा स्वराज की लड़की को दी जी, ठीक है, तीसरा मनोहर लाल खट्टर जी को करनाल से दी, पांचवी पंजाब से दी जी। ये तो अब भी सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। हमारे आड़े ले आएंगे, एक घूम फिर के राज बब्बर जी को ले आएंगे, वो तो राज बब्बर तो सुना रहा है, वो तो बैकवर्ड क्लास से है जी। क्या देखते हैं राज बब्बर को क्यों लेके आ रहे हैं, लोकल प्रत्याशी क्यों नहीं? आप समझो, एक बात को समझिए, या एकमान का आदमी है, या ये ऊपर जो है ना, ये एक कॉकस है जो जो और वो हर किस्म के सिस्टम को जानने लग गया है जी, और वही एक वजह है कि कांग्रेस को पहले तो राजीव गांधी, सोनिया जी, इंदिरा जी लोगों को मिला करती थी जी, खुले में संवाद होता था, उनको जानकारी होती थी जमीनी लेवल की। अब तो आप मिलके दिखा दो, एक एक साल आप राहुल जी को मिल नहीं सकते हो जी। बिल्कुल। अच्छा, एक और बड़ा तीखा सा सवाल है, भूपेंद्र हुड्डा के बारे में ये कहते हैं कि वो बीजेपी से मिला हुआ है, ये इस आरोप में कितना दम देखते हो? देखो, मैं तो इसको मानता नहीं जी, बीजेपी में जाके क्या करेगा वो? नहीं, उनके इशारे पे वो कहीं दबाव में है ईडी का या कुछ और, इसलिए उनके इशारे पर कैंडिडेट उतारे जाएंगे वो, ऐसा ऐसा आरोप लगा रहे हैं। मैं नहीं मानता ये जी, मैं नहीं मानता, ये तो यूं ही आरोप लगते रहते हैं जी। भूपेंद्र हुड्डा दबने वाले आदमियों में नहीं है जी, भूपेंद्र हुड्डा के करेक्टर को मैं जानता हूँ, भूपेंद्र हुड्डा फ्रीडम फाइटर फैमिली से तलाक रखता है, वो एक सुलझा हुआ आदमी है, ऐसी कोई बात नहीं है। कार्रवाई तो पूछताछ तो ईडी करती रहती है इलेक्शन के टाइम पर उनसे, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है जी। कुरुक्षेत्र का चुनाव बड़ा रोचक हो गया है, कुरुक्षेत्र का चुनाव मैं बता देता हूँ, अगर चौधरी अभय सिंह चौटाला बीच में ना होते तो सुशील गुप्ता बन गए थे जी। अच्छा, हाँ जी, आप याद करो लोंगोवाल इशू पे चौधरी देवीलाल और डॉक्टर मंगल सेन ने इस्तीफे दिए थे जी, और उस वक्त मुद्दा SYL का मुद्दा था। आज अभय सिंह ने किसानों के मुद्दे पे इस्तीफा दिया, एलनाबाद से बन के आया। मैं ये नहीं कहता कि वो बनेंगे, लेकिन जो वहाँ सराउंडिंग में कैथल पेवा जितनी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, वहाँ जाट और जट सिखों का एरिया है जी, तो वो जितना वोट लेंगे उसका सीधा नुकसान आप पार्टी के कैंडिडेट को होगा जी। और वो तो खुल के कह रहे हैं जाटों की रुबड़ियों की लड़ाई है। हाँ, वो इसलिए कह रहे हैं कि अगर जाट कंसोलिडेट हो जाए और जट सिख कंसोलिडेट हो जाए तो वो फिर तिकोने कंटेस्ट में भी आ सकते हैं जी। लेकिन आज के सिचुएशन में सुशील गुप्ता का नंबर वो लीड में चल रहे हैं जी, उनका एज है और वो बन भी सकते हैं जी। सुशील गुप्ता का एज लग रहा है आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक हिसार में बड़ा रोचक मुकाबला, चौधरी देवीलाल के परिवार से 3 कैंडिडेट आगे, कैंडिडेट सुनैना, नैना, रणजीत चौटाला, और चौथा कैंडिडेट छोटराम का नाती। तो देवीलाल वर्सेज छोटराम के 2 बड़े शख्सियत, उनके जो अगली पीढ़ी है वो चुनाव में है, कैसा रोमांच हिसार का? वैसे तो कमाल की बात है, इन्होंने उनके नाम को खाया है जी, बढ़ाया नहीं है। मैं तो कहता हूँ, जब बैठते हैं मेरे मित्र हैं ये जी, तुम अपनी उपलब्धि तो बताओ। लेकिन मैंने जब ये कहा आपको कि आज हर वर्ग राजपूत खिलाफ जी, दलित खिलाफ, जाट खिलाफ, और बैकवर्ड में जो बैकवर्ड क्लास से कनेक्टेड दूसरी कम्युनिटीज है उनका आपस में कोई तालमेल नहीं, यूं ही एक बैकवर्ड नाम दे रखा है, तो कौन सा ऐसा वर्ग है जो आज बीजेपी के साथ खड़ा हो? पंजाबी खिलाफ, राजपूत खिलाफ, कौन सा वर्ग है? और जमीनी लेवल पे इनके पास कोई इशू नहीं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पे, कानून व्यवस्था खत्म, सुनो मेरी बात, कौन सा इशू ऐसा है
जिस जिसको जिसको दिखा के ये वोट लेंगे, तो जुमलों की सरकार है जी। लोग तो कह रहे हैं भगवान, हाँ भगवान राम का नाम लेके कह रहे हैं भगवान राम इनसे मुक्ति दिलाओ जी। बस यही एंड है, मैं आपको बता दे। चलो एक एक आखिरी सवाल और, 400 पार का जो नारा चल रहा है पूरे देश में, आपका क्या समीकरण लगता है, क्या 400 पार में कितना दम है? मेरा ये है जी, इसमें कोई दम नहीं है जी। जैसे ये 75 पार का नारा प्रदेश में देते थे और ये 40 पे जाके सिमट गए, तो इसी तरह से अब ये 400 पार का नारा है, ये 225 में सिमटेंगे जी बीजेपी पार्टी, और गठबंधन मिला के 250-350 जा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 225 के अंदर सिमट जाएगी बीजेपी, अकेली सिमट जाएगी। तो गठबंधन को मिला के भी सरकार पिछली बार इनकी 303 सीटें आई थी जी, अब की बार इनकी सीटें कम से कम 80-100 के बीच में कम आएंगी। अच्छा जी, बहुत बड़ा डेंट है इसका, मतलब बता दिया जी मैंने आपको जी। ये उनको इंटेलिजेंस का भी आउटपुट मिला हुआ है बीजेपी को, इसलिए आजकल नरेंद्र मोदी जी जैसे बोल रहे हैं, इनके किसी भी ये प्रदेश लेवल की मीटिंग में शेड के नीचे करते हैं, कहीं 1000 आदमी है, कहीं 500 आदमी है, कहीं 400 आदमी है, कहीं 100 आदमी भी नहीं है जी 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 ये जी। चलो बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी, और धन्यवाद, भविष्य में बात करते रहेंगे। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू।